सोमवार की शाम टीटागढ़ बाजार में तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ तृणमूल कर्मी विजय अवस्थी व तृणमूल के वार्ड कोऑर्डिनेटर रमेश साव को टीटागढ़ टाउन हिंदी प्रकोष्ठ का कन्वेनर घोषित किया गया। वहीं तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गुप्त, प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंसी रेंज के कन्वेनर राजेश सिन्हा, जिला हिंदी प्रकोष्ठ के कन्वेनर अमित गुप्ता ने उमेश राय, भोला यादव सहित लगभग 400 लोगों को तृणमूल का झंडा थमाकर उस पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों में कंबल वितरित किए गए। पाकिस्तान से कोई आदमी भारत में आतंकवाद मचाने के लिए घुसता है तो हम उसको भारी कहते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल की भूमि में आए, काली माँ का दर्शन करे, काली घाट जाए, दक्षिणेश्वर में दर्शन करे, माँ का आशीर्वाद ले, पहाड़ जाए, दार्जिलिंग में घूमे फिरे, खाए पिए, सब कुछ करे, ठीक। यहाँ अशांति मत फैलाओ, अशांति फैलाओगे तो तुमको बाहरी बोलेंगे और बाहर वापस भेज दिया जाएगा। जो यहाँ का शांति भंग करेगा उसको भारी बोल के भेज दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी बंगाल में। आप हम भाषा अलग बोलते हो, हमारी भाषा अलग होने से हम भारी नहीं होते। हम भारी होते हैं अपने मन से, अपने कर्म से, जब हम यहाँ का अहित करने के लिए आते हैं। दीदी बोलती है तुम लोग कैसे भारी हुआ, इतना साल से यहाँ काम कर रहा है, कोई टैक्स दे रहा है, कोई किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है, जूट मिल में जूट बना रहा है, और जूट से पूरे विश्व में बंगाल का नाम हो रहा है, कोई चाय बागान में काम कर रहा है, वो चाय पूरे दुनिया में जाके बंगाल का नाम रोशन कर रही है, तो कैसे भारी हो गए। द्वारे सरकार के बारे में जो बात हो रही थी, ये स्वास्थ्य साथी के बारे में बात हो रही थी, एक चीज जरूर कहूंगा, ये मौका है, ये जितना भी कैंप लग रहा है, अगर आपने कार्ड नहीं बनवाया है तो जरूर जाके बनवाइएगा। तो अर्जुन सिंह जी के लिए हमारा सीधा सवाल है आप लोगों के थ्रू, अगर आए आप लोगों के बीच में, कुछ और वादे करें, 2 करोड़ नौकरी बंगाल के लिए, 75 लाख नया नौकरी और दी, पुराना 2 नहीं मिला, नया और वादा में तो सब मास्टर है वहाँ पर। यहाँ आज बहुत दुख से यहाँ में आया बैठा था, मनीष शुक्ला जी की फोटो देख रहा था, बट हमको प्रशांता ने बताया कि उसके बाद यहाँ पे क्राइम कम है। 10 साल दीदी ने काम किया है, आज कुछ यहाँ पर हिंदी में सबसे पहले 10वीं का प्रश्न पत्र किसने दिया, दीदी ने। 12वीं में किसने दिया, दीदी ने दिया। हिंदी में आंसर किसने लिख दिया, दीदी ने। हिंदी कॉलेज कौन बना रहा है, दीदी ने। हिंदी यूनिवर्सिटी कौन बना रहा है, दीदी ने। मेरा मुंह दीदी बोलते बोलते थक जाएगा, बीजेपी के पास नाम लेने के लिए एक तो शब्द भी नहीं रहेगा।